तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखा देता हूँ बजाज डिस्कवर की हेडलाइट प्रॉब्लम, जो कि हेडलाइट नहीं जल पा रही है, देख पा रहे हैं दोस्तों। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट किया और ये देखिए स्विच ऑन किया, तब भी इसकी हेडलाइट नहीं जल रही है, ये देख पा रहे हैं आप। तो हमने इसकी सारी वायरिंग वगैरह चेक कर ली है, तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो हमने इसको चेक करना है किस तरह से। आइए, ये देखिए सॉकेट को निकाला और निकालने के बाद देखिए ये ऑरेंज कलर है थोड़ा सा, इसमें बैटरी वोल्ट आना चाहिए 12 वोल्ट। इस तरह से इसको चेक करेंगे, ये देखिए इसमें ये करंट आ रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये करंट आ रहा है और हमने इसको डायरेक्ट कर देना है इस तरह से। लाइट दिखाइए उधर, ये देख पा रहे हैं लाइट जल गई है। तो देखो दोस्तों, हमने इसको यहाँ से डायरेक्ट किया और ये लाइट जल चुकी है, और डीपर वगैरह सब कुछ काम करेंगे इसके। ये देखिए यहाँ से हिल गया है, अभी ये फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है दोस्तों, ये हमारी ख़राब हो चुकी है, अभी इसको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट करके चला सकते हैं आप, पहले से लाइट भी ज़्यादा बढ़ जाएगी इसकी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो डायरेक्ट किस तरह से करना है, ये देखिए एक वायरिंग का तार लेना है और इसको निकाल के इसमें ऐसे लगा देना है, ऐसे लगाने के बाद इसमें ऊपर से सॉकेट लगा देना। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने ये सॉकेट लगा दिया, इसमें वायर डाल के इसको सॉकेट को लगा देना है और ये डायरेक्ट हो जाएगा, और बिना खर्च के आप फ्री में इसको ठीक कर सकते हैं। अभी मैं आपको हेडलाइट जला कर दिखा देता हूँ, देखिए लाइट ऑन हो चुकी है, दोनों पॉइंट काम कर रहे हैं फर्स्ट क्लास। तो इस तरह से आप फ्री में इसको रिपेयर कर सकते हैं, देखिए बिना इसके रिले डाले हमने इसको सॉल्व कर दिया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।